सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इट्स टाइम 4 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं अभी अपने स्टेशन पे हूँ, बस अभी मैं जा रहा हूँ नागपुर। तो बस धीरे धीरे स्कूल का ब्लॉग शूट करेंगे, मजे करेंगे कुछ। लिटरली सुबह 5 बजे की इतनी भीड़ है ना, और मैं सोया भी नहीं रात से, तो मैं काम कर रहा था 2 बजे तक, फिर सोचा 4 बजे ट्रेन है तो क्यों सो, बट अभी देखा तो गाड़ी 1 घंटा लेट है और मैं जल्दी आ गया स्टेशन पे। अभी और 30 मिनट्स है ट्रेन आने में बस, और ठंड है थोड़ी सी, इसे जगह वगैरह पहनना पड़ा है। बाकी लोग बहुत सारे हैं इतने सुबह सुबह जाने के लिए, क्यों जाते इतने लोग सुबह सुबह मेरे जैसे। नींद में पता नहीं क्या कर रहा था, बट शूज़ की जगह चप्पल पहन लिया जल्दबाजी में, बोलिए मेरे पापा मुझे बहुत काटने वाले हैं। पोरबंदर मेरी पुणे अमरावती एक्सप्रेस जो पुणे से आ रही है, और मैं जा रहा हूँ नागपुर, और वो नागपुर पर लास्ट टाइम नागपुर ही है। सुबह ये कैसा व्यू लग रहा है, क्योंकि मैंने ये मेरे बैग पर रखा है, तो सोचा थोड़ा सा 2-3 ऐसे शॉर्ट से बात करती है, ऐसे बात करती है ना, यो थोड़ा ज़्यादा मस्ती करूँगा आज, क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। 10 दिन से लगातार काम करो बिना छुट्टी के, बस 2 वीक ऑफ, वो भी दिवाली में निकल गए, और दिवाली का व्लॉग बनाना था, बहुत सोचा था बनेंगे बनाए तो कुछ नहीं, पर थोड़े से क्लिप्स हैं वो क्या ही डालूँ, तो इसलिए बनाए नहीं। एक भैया बैठे अभी, सॉरी वी कैन नॉट से भैया टू हिम, इट्स चिंकी, चाइनीज भैया बोलते हैं उसे। सुनने लगा इधर बाजू में बैठा जाने, मैं नहीं बोलता कुछ, तुमको देखना है क्या, ये देखा तो बस यही जो मोबाइल पे लगा है ना वही चीज़, बाकी मैं दिख रहा है स्मार्ट हो यार, बहुत दिन के बाद ये जैकेट पहना। अब मेरे ट्रेन आ रही है, तो मेरी तो नींद नहीं हुई थी इसलिए मैं जाके डायरेक्ट सो गया, बड़ा भी हो चुकी है नींद मेरी, बस अभी बस पहुँचने भी नागपुर 15 मिनट में, फाइनली रीच नागपुर, और अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरा भाई आया मुझे लेने, तो ये दिखाऊंगा ये कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा नहीं, हाँ ये दुकान में गया कोई तो भी, तो वो अभी कुछ सामान वामान लाने गए, और उसकी नई गाड़ी ये 1 महीने में उसने 6 गाड़ी बदली, तो बोलो कितना पैसा होगा, बहुत सारा पैसा है। आ गया अरे चालायच उलटा जेवल तू तर झोपून राहिला, झोपले हा तू तर लेटला, तू तर 10-15 मिनिट बसून मग चालायचा हळूहळू, ते चालते। नाही 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 चुकीच आहे बाबा, लगेच जेवल नाही करायचं, लगेच तू लेटायचं नाही, तू लेटून आलं तिथं हा लेट जेवलं एकदम लेटायचं नाही। चल देवा चल बरं पटकन, बस तो बोलू नको मला, मामाला भेटू, हां असं 10 मिनिटापूर्वी सांगितलं होतं, ठीक आहे तू उठलं नाही, हेल्मेट फेकतो उठला पाहिजे बरं, नाही तर उठणं तिथं पाट
अरे अबे दूर दूर ला, बर दूर ला, थोड़ा सा पाय तुटेल ना रे पाय रे सटकन निगन मरे रे मामा काही नाही आहे अबे इथे लाव रे काही तमाशा करू सुकूनी हेलमेट जळायला ना बाबा इतकी मारतील ना तुझी कारण एकच निकटा लाव तू हात कापून आले तर तिथे पडणारच आहे मामा ते पडन ना यार अबे बावरे पागल झाला काय अबे गाडीवर पडलं खूप खूप अरे मन सर कुछ बाबा पहिले बस अण्णा अजून एक अजून कळलं लोक म्हणते दही दिवाळी आता रप्पण जायचं वरती काय हा माहित कुठे पडते ते हाथ पकून आता मी आता म्हणते माझे फाटे म्हणता आता पकून आला यांना पुन्हा कलाकारी करायची आहे आता हा कुठे इट्स अ नेक्स्ट डे एंड स्टील दे आर नॉट कमिंग येट कोणचे मेहमान इसके काय पता म्हणते म्हणून म्हणून म्हणते ऑरेंज कलरची डस्टर म्हणे सेम शेप आणि इथं बघितलं तर व्हाईट डस्टर आली का रे व्हाईट डस्टर आहे और अल्टो नहीं उड़ा लेता नहीं 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 दूसरी गाड़ी है अबे सेम डस्टर है सेम डस्टर है सेम है सेम शिप भाई भाई और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा काम से बाहर भाइयों के साथ अभी वो दोनों आने वाले हैं बहुत धूप है नागपुर में चलो आपको दर्शकों ये आज बहुत गंदा दिख रहा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा वीडियो में लेता नहीं ये अश्लील बातें करता है बहुत तो दाढ़ी शेविंग करने ही मुझे हाँ एक बदनाम करके जगह है यहाँ पे बदनाम गली थोड़ी हॉन्टेड है तो उधर जाना चाहिए रात को आज जाएंगे रात वीडियो में दिखाऊंगा तो नहीं मैं बट फिर भी अरे चलना मना यार ये अभी तक आया नहीं किसको छोड़ने इसको मेहमान को छोड़ने ऊपर गए अभी तक आया नहीं कुछ
नाही असं 10 मिनिटांपूर्वी सांगितलं होतं तू. लिफ्ट जवळ आहे तर किती मोठी लिफ्ट आहे ती, किती मोठा तो हे आहे पॅसेज की लिफ्ट जवळ आहे सांगायला परवडत होतं का? अरे घामात किती गरमी उन्हाळी इथे सुंदर विकतो तुम्हाला तेच म्हटलं गरमी आपण एसी लावला नाही अजून काय म्हणू ऋषी अजून कसं आहेस विकोची क्रीम लावली विकोची क्रीम लावली हा विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम विको टर्मरिक नाही कॉस्मेटिक ये क्रीम लगाई है मैंने और जब से लगाई है नहाने के बाद ये मुझे बहुत पसीना आ रहा है मेरे चेहरे पे ग्लो कर रहा है चेहरा है ना कर दो ना ग्लो मेरा चेहरा कसा लिच्छड आहे तू अबे काय करू आपल्याकडे लाल मिरच्या नाही किती खराट आहे खायची नका अरे बा त्यांनी चांगला करेन ना वरण कुठे खाता भोपळा जाऊ दे तू डिस्कर तू पण तू पिऊ म्हणा पहिले तरी आहे सोडस छान 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 तो भैया चलो वीडियो एंड कर दो यहाँ पे और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं बस अभी जा रहा हूँ घर सोने गाड़ी में हूँ पार्क किया अभी गाड़ी जैसे जा रहा हूँ सोने क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं रातों की तो जैसे जैसा मुझे टाइम मिला वैसे वैसे शूट किया मैंने तो पसंद आएंगे तो प्लीज़ शेयर कर दो और तब तक के लिए जय श्री राम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में बाय.